हेलो फ्रेंड्स, पूनम से मी रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कुल्हड़ पिज़्ज़ा। तो इसके लिए एक बाउल ले लेंगे और उसमें हम ब्रेड के ऐसे छोटे छोटे किए हुए टुकड़े ले लेंगे। ये मैंने 4 ब्रेड के टुकड़े लिए हैं। इसमें हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। इसके लिए 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस लिया है। 1.5 टेबलस्पून हम केचप ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून वेज मेयोनीज ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून पिज़्ज़ा मसाला, मिक्स हर्ब डालेंगे, ये भी 1 टीस्पून है। 1.5 टीस्पून पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग। टू टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे मोजरेला चीज़। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न डालेंगे। 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए कैप्सिकम डालेंगे और 2 टेबलस्पून बारीक कट किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब हम चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुल्हड़ ले लेंगे। इसमें मैं 1 टेबलस्पून बटर डालूंगी और ब्रेड के हम इसमें अब छोटे छोटे पीस जो किए हैं वो डालेंगे। 3-3 4-4 पीस इसमें डालेंगे। इसके बाद हमने ब्रेड और मेयोनीज का जो मिश्रण किया है सॉस के साथ वो ऐड करेंगे और थोड़ा चम्मच से ऐसा प्रेस करते जाएंगे। बारी बारी हम एक एक लेयर इसका बनाते जाएंगे। चीज स्लाइस लिया है, उसके भी छोटे पीस किए हैं वो ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ हरा लहसुन डालेंगे। वापिस हमने जो ब्रेड का मिश्रण है सॉस के साथ किया हुआ वो ऐड करेंगे। प्रोसेस चीज़ें ग्रेट किया हुआ वो डालेंगे। कैप्सिकम, प्याज और स्वीट कॉर्न के ऐसे छोटे छोटे पीस वापिस हम इस पर डाल देंगे। ये फ्रेंड्स, ये जो कुल्हड़ पिज़्ज़ा है काफ़ी टेस्टी बनेगा, आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना। ऊपर से हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। पिज़्ज़ा है तो इसमें चीज़ की मात्रा ज़्यादा तो होगी ही। ऊपर से डालेंगे पिज़्ज़ा मसाला। चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये मैंने प्री हीट किया हुआ कुकर लिया है और उस पर स्टैंड रखेंगे और ये दोनों कूलर स्टैंड पर रख के 12 से 15 मिनट तक हम इसे ढक के बेक कर लेंगे। और फ्रेंड्स, याद रखना, जब भी आप ढक्कन लगाओगे तो कुकर की सीटी निकाल लेना। अब हम चेक कर लेंगे हमारे पिज़्ज़ा रेडी हुए कि नहीं। अच्छे से हमारे कुल्हड़ पिज़्ज़ा है रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।